Hello students, let's see the question. So the question says if you have 2.5 moles of glucose, how many carbon atoms are present? तो ये जो 2.5 मोल्स है इसमें कितने ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है इसको सबसे पहले हम निकालेंगे. देखो फॉर वन मोल ऑफ ग्लूकोज नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल कितने होंगे. एवोगाड्रो नंबर के इक्वल होगा जो कि 6.02 टू इंटू 10^23 मॉलिक्यूल्स. ऑलराइट, तो फॉर 2.5 मोल बस 2.5 से आपको मल्टीप्लाई करना है. यानी हमने अगर 2.5 मोल्स ऑफ ग्लूकोज लिया है तो उसमें कितने रहेंगे मॉलिक्यूल्स, इतने. ऑलराइट, अब देखो कार्बन एटम्स के बारे में पूछा गया है. एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में कितने कार्बन एटम्स हैं? 6 कार्बन एटम्स हैं. तो लिख लेते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 2.5 मोल्स ऑफ ग्लूकोज इज सिंपली आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे. 6.022 इंटू 10^23 इंटू 6 जो कि आपका आ जाएगा 90.33 इंटू 10^23 जिसको अदरवाइज हम लिख सकते हैं 9.033 इंटू 10^24 जो कि आपके ऑप्शन ए में है. सो दिस इज योर करेक्ट आंसर. आई होप ये समझने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है. थैंक यू सो मच.